हेलो एवरीवन, तो आज मैं सब्जी का रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये जो सब्जी होता है वो काफ़ी सेहत के लिए अच्छा होता है और ये गर्मियों में काफ़ी देखने को मिल जाएगा मार्केट में। और ये जो सब्जी होता है जिसका नाम है सहजन, कहीं कहीं पे इसे मोरिंगा इंग्लिश में कहते हैं या फिर ड्रमस्टिक इसे कहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है और इसे खाकर आप अपने पेट को ठंडक प्रदान कर सकते हैं। और जिसे चिकन पॉक्स का प्रॉब्लम हो उसे इसका जूस बनाकर आप दे सकते हैं। और इसके जूस अगर पिए आप डेली तो आपके शरीर भी मजबूत हो जाएंगे, यानी हड्डी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे सहजन को यानी कि मोरिंगा को अच्छी तरह से कट कर लिया है और धो लिया है। और आपको मैं थोड़ा दिखाती हूँ कि इसे किस तरह से कट करते हैं। तो ये ऊपर का सिरा है और ये नीचे का। तो ऊपर वाले का सिरा जो होता है उसे इस तरह से आप छुरी की सहायता से अगर करेंगे तो यहाँ पूरा नीचे की ओर इसका छिलका जो है जाएगा, पर ये नहीं जा रहा है क्योंकि ये 2 से 3 दिन पुराना है, मार्केट में ताज़ा नहीं मिल पाता है जल्दी। अगर आप तुरंत पेड़ से तोड़ते हैं तो इसका धागा बिल्कुल नीचे की ओर जाएगा, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे तरीके से कट करते हैं। तो थोड़ा आधा कट कर लेंगे और इस तरह से इसका छिलका निकालेंगे आधा आधा। फिर निकालने के बाद इस तरह से देख सकते हैं, एक तरफ छिलका निकला हुआ है और एक तरफ नहीं। तो जिधर निकला हुआ है वहां से कट करेंगे और फिर नीचे की ओर ऐसे खींचेंगे और इधर नीचे की ओर खींचेंगे और फिर इस साइड जहाँ छिलका निकल चुका है ऐसे पलटेंगे और इस तरह से कट करके फिर छिलका को निकाल लेंगे। तो बड़ा ही आसानी से निकल जाता है और इसका छिलका उतारने में बहुत ही मज़ा आता है। तो टाइम पास आप कर सकते हैं इसका छिलका निकाल कर। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा छिलका निकाल भी लेना है नाइफ की सहायता से। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी बढ़िया से छिलका निकल चुका है। तो इसी तरह से सारे सहजन का छिलका निकाल लेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से नीचे की ओर ये छिलका जाता है। तो इस तरह से आप खींचेंगे तो बिल्कुल नीचे की ओर छिलका जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल 1 से 2 धागा ही जा रहा है। अगर आपका ताज़ा रहेगा तो बहुत सारा धागा जाएगा, बिल्कुल आप 2 बार में सारा छील सकते हैं। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है कि ताज़ा है या फिर ताज़ा नहीं है। तो चलिए सभी को इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी सहजन को कट कर लिया है, अच्छी तरह से छिलके निकाल लिए हैं। सहजन का अगर आपको पत्ता मिले या फिर सहजन का गोंद मिले तो आप उसे अपने खान पान के दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, ये काफ़ी फायदेमंद होता है। सहजन के गोंद को रोस्ट करके खाया जाता है, उससे पेट कि जो लूज मोशन है वो भी ठीक हो जाता है। अब इसे धो लेंगे। सारे सहजन का छिलका अच्छी तरह से मैंने निकाल लिया है और इसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब मसाले का तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और छोटे चम्मच से 1 चम्मच मिर्च पाउडर, छोटे चम्मच से 2 चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ पे मैंने देगी मिर्च पाउडर भी लिया है छोटे चम्मच से 1 चम्मच। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो ना डालें मिर्च पाउडर। और यहाँ पे मैंने लिया है खड़ा यानी कि साबुत काली मिर्च और जीरा। तो मसाले में आप अपने मात्रा अनुसार सभी को रखें। और यहाँ पे मैंने अदरक का टुकड़ा और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ले लिया है और साथ में मैंने यहाँ पे लिया है पोस्ता दाना। अगर आपको पोस्ता दाना नहीं डालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप डेली सब्जी बनाते हैं तो पोस्ता दाना डालने की ज़रूरत नहीं है। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है 2 तेज पत्ते और इसे मैंने दरदरा पीस लिया है बिना पानी का। तो इस तरह से मैं हमेशा पहले बिना पानी का दरदरा पीस लेती हूँ मसाले को, उसके बाद फिर पानी डालकर इसका फाइन पेस्ट तैयार करती हूँ। तो हमारा मसाला बिल्कुल पीस चुका है, इस तरह से आप फाइन पेस्ट तैयार कर लें। तो चलिए अब हमारा जो सहजन है उसे फ्राई करते हैं। तो इसे हल्दी और नमक डालकर फ्राई किया जाता है। तो सरसों तेल में ही इसे बनाएं। तो सरसों तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो सहजन को डाल देंगे और इसे भूनेंगे यानी फ्राई करेंगे। और यहीं पे हल्दी पाउडर
और थोड़ा नमक डालेंगे। आपको अगर इस तरह से करछी से चलाने में प्रॉब्लम हो तो इस तरह से आप गड्ढे वाले करछी ले सकते हैं यानी चम्मच, और इसे अच्छी तरह से पलटते हुए चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। मैं सेंधा नमक का प्रयोग करती हूँ तो मैंने सेंधा नमक डाला है और थोड़ा डाला है हल्दी पाउडर ताकि सहजन के अंदर अच्छा सा नमक चला जाए और ये टेस्टी बन जाए। तो इस तरह से आपको ब्राउन होने तक भून लेना है। अगर आप इसे अच्छी तरह से नहीं भूनते हैं तो ये कड़वा हो जाएगा और स्वादिष्ट नहीं बनेगा सब्जी। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और आप देख सकते हैं इसमें कलर भी आ चुका है ब्राउन सा। तो इसी तरह से आपको भून लेना है यानी कि फ्राई कर लेना है। और एक बात बताती हूँ, सहजन जो है दो तरह का आता है, एक जंगली सहजन और एक खाने वाला। जंगली वाला कड़वा होता है, तो आप जब भी मार्केट में लें इस तरह से आपको कट करके कच्चा सहजन बिना फ्राई किया हुआ ही मिलेगा ना मार्केट में, तो आपको टेस्ट करना है थोड़ा खाकर अंदर का भाग, अंदर का जो पल्प होता है यानी कि गुदा, और ये देख सकते हैं इसके अंदर का, तो वो आपको मीठा यानी कि लौकी जैसा टेस्ट आएगा। अगर सहजन जंगली है खाने वाला नहीं है तो उसका टेस्ट बिल्कुल कड़वा रहेगा, तो आप इसका ख्याल रखें। तो चलिए सहजन तो भून चुका है, अब यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिया है अच्छी तरह से, और यहाँ पे खूब पका हुआ टमाटर, साथ में उबला हुआ मैंने आलू लिया है और इसे अच्छी तरह से मैश कर दिया है इसे ग्रेवी के लिए, और साथ में यहाँ पे मैंने उबला हुआ आलू लिया है और इसे कट कर लिया है बड़े बड़े टुकड़ों में। तो आलू को मैंने दो तरह से यूज किया है यहाँ पे, और साथ में मसाला हमारा पीसा हुआ। तो चलिए कढ़ाई को करते हैं गर्म और सबसे पहले आलू फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा तेल डाल दिया है और उबला हुआ आलू, अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तब कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी सब्जी में डाल सकते हैं। और यहाँ पे हल्दी और नमक के साथ थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो चलिए फ्राई आलू हो चुका है, अब कढ़ाई को फिर से दोबारा गर्म करेंगे, सरसों तेल डालेंगे और यहाँ पे पंचफोरन डालेंगे। पंचफोरन में जीरा, सौंफ, काला सरसों, मेथी और अजवाइन और कलौंजी यानी कि मंगरेला मैंने डाल दिया है, और इसे अच्छी तरह से तरकने देना है। जब अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए, खुशबू आने लगे, तब कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे कलर चेंज होने तक। जब ये भूरा हो जाए तब इसमें मसाला डालेंगे। तो यहाँ पे पिसा हुआ मसाला मैंने डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। जब तेल रिलीज होने लगे तब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालते समय ध्यान रखें क्योंकि मैंने सहजन और आलू में भी नमक डाला है। और अब डालेंगे कटा हुआ टमाटर और इसे अच्छी तरह से ढक कर टमाटर को गला लेंगे और भून लेंगे। तो तेल रिलीज हो चुका है, हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, अब उबला हुआ आलू डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। साथ में मैंने यहाँ पे डाला है चिकन मसाला, आपको जो भी खुशबू वाला मसाला पसंद हो वो डालें, जैसे गरम मसाला, एवरीथिंग जो भी आपको पसंद हो। और साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिया है गुनगुना पानी। सहजन का सब्जी जब भी बनाए थोड़ा पतला बनाए तब ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पहले सहजन, आलू अभी नहीं डालूंगी, तो आलू सबसे लास्ट में डालूंगी क्योंकि ये उबला हुआ है और साथ में फ्राई किया हुआ है, तो अगर अभी इसमें डाल देते हैं तो वो आलू जो है वो खराब टेस्ट हो जाएगा, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो अच्छी तरह से इसे ढककर पका लेना है और हमारा सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब लास्ट में आलू डालेंगे और धनिया पत्ता, और 1 से 2 मिनट के लिए इसे पका लेंगे, फिर गैस ऑफ कर देंगे। तो हमारा सब्जी बनकर तैयार है और ये सब्जी बहुत अच्छा लगता है। और एक खास बात बताऊं, इसका जो बीज होता है ना उसका दवा बनाया जाता है। तो आप जब भी सीजन में इस तरह का सब्जी आए तो आप ज़रूर इसे बनाएं और खाएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। अगर आपको ज़्यादा तेल मसाला नहीं पसंद हो
तो आप कम डालें। इसका आप सूप यानी कि जूस भी पी सकते हैं। इसे कुकर में अच्छी तरह से पका लें और उसका आप सूप पी सकते हैं। थैंक यू सो मच।